दोस्तों स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड विधानसभा में कितने पद रिक्त हैं और अलग अलग कैटेगरी के कैसे हैं। एक डेटा उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपको याद हो कुछ साल पहले उत्तराखंड विधानसभा में अलग अलग जो टाइप्स की वैकेंसी हैं वो आई थी। लगभग आई थिंक 32 पदों पर ये भर्ती आई थी। बीच में मामला जब हुआ कि बैकडोर से एंट्री हो रही है, तो जो भर्तियां बहुत सारे लेटर वायरल हुए, जिसमें केवल एक प्रार्थना पत्र पर रिव्यू जैसे आर ओ ए आर ओ जैसे पद जो है दे दिए गए थे। तो लगभग ये पद आए थे, फॉर्म भी भरे, आई थिंक एक या दो बार एग्जामिनेशन की डेट भी आई। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि भाई साहब जो है ये भर्ती कैंसिल कर दी गई है, इसमें गड़बड़ी पाई गई। लेकिन उसके बाद अभ्यर्थियों के पैसे भी रिफंड नहीं हुए, फिर से विज्ञप्ति भी नहीं जारी हुई। तो ऐसा ही पूरा उत्तराखंड में चलता है। उसके बाद तमाम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भी ये कहा गया था कि सब कुछ तरीके से होगा और नई भर्ती या तो लोक सेवा आयोग के पास जाएगी या तो फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जाएगी अगर समूह का क्या होगी तो। लेकिन अभी तक ना आता है ना पता है, क्योंकि उत्तराखंड में सब कुछ लापता है। डेटा आपके सामने है जहाँ पर उत्तराखंड विधानसभा के अंतर्गत कितने पद स्थायी हैं, कितने टेम्परेरी हैं, कितने पद सैंक्शन हैं, कितने भरे गए हैं, कितने रिक्त हैं, उसका डेटा जो है बेरोजगार संघ के द्वारा दिया गया है। इसे आप उनके फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से, हमारा टेलीग्राम चैनल पे। तो बात करते हैं कैटेगरी ए के। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 परमानेंट हैं, 20 यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेरी है। कुल 48 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 30 भरे हैं, 18 पद रिक्त हैं। तो ये टॉप लेवल के हैं, इसको तो हम थोड़ा सा इग्नोर भी मार सकते हैं, लेकिन ये इग्नोर मारना संभव नहीं है अगर हम ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की अगर बात करें। तो ग्रुप बी में आप देख सकते हैं 50 जो परमानेंट है और इतना टेम्परेरी, 63 जो है यहाँ पर सैंक्शन है, जिसमें से 24 पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर टॉप लेवल की बात करें तो 69 भरे हैं, जिसमें से 111 पद स्वीकृत हैं, 42 यहाँ पर अभी भी रिक्त हैं। चलिए अब आते हैं समूह ग और घ के अंतर्गत। तो आप देख के चौंक जाएंगे कि यहाँ पर कुल मिला के आप देख सकते हैं समूह ग, अगर हम समूह सी यानी कि कैटेगरी सी और डी की बात करें, ग और घ की बात करें, तो कुल 404 पद यहाँ पर जो है स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल आप देख सकते हैं कि केवल 123 पद यहाँ पर भरे गए हैं। ऑलमोस्टली 281 पद यहाँ पर खाली हैं। अगर हम कुल महायोग की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 192 पद यहाँ पर भरे गए हैं स्वीकृत, जो 515 हैं। पूरे सचिवालय, पूरे विधानसभा की अगर बात करें तो 515 पदों में से केवल 192 पद भरे गए हैं, लगभग 323 पद यहाँ पर रिक्त हैं। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये 1 अप्रैल 2023 तक का यहाँ पर डेटा बेरोजगार संघ के द्वारा दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी जो है लगातार यहाँ पर ये बात उठाते रहते हैं को लेकर कि वो जिसमें पारदर्शिता बरती जाएगी। और विधानसभा में बहुत सारा हंगामा हुआ बीच में, और उसके बाद कहा गया कि लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भर्ती आएगी, लेकिन अभी तक उस भर्ती का कोई भी अता पता नहीं है। इवन जिन अभ्यर्थियों ने हज़ार हज़ार रुपये की फीस भरी थी उनको भी वो लौटाया नहीं गया है। तो ये हालात हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहा है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।